हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पटेल्स किचन। और फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और घर पर ही होंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ घर पर ही रहना। जैसा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो हमारे पीएम ने लॉकडाउन अनाउंस किया है 21 दिन का। तो हमें सपोर्ट करना होगा और घर पर ही रहना होगा, क्योंकि पुलिस हमारी सेफ्टी और हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। वो आज मैंने एक वीडियो देखा, तमिलनाडु का था, वहाँ पर पुलिस रोकर और हाथ जोड़कर पब्लिक को मना कर रही है कि बाहर मत निकलो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, बाहर मत निकलो और किसी को मत निकलने दो। वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए, हमारी सलामती के लिए बोल रहे हैं, उनका तो कुछ भी नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, प्लीज़, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यही है कि हम एक दूसरे से ज़्यादा मिले ना और ज़्यादा भीड़ में ना जाए। और जैसा ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, राशन वालों के वहाँ तो ऐसी गर्दी लग गई जैसे अभी दुकार, मतलब गुजराती में दुकार बोलते हैं, अकाल आने वाला है, अभी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ही नहीं रहा, लॉकडाउन का मतलब ही नहीं रहा। अगर आप लोग एक साथ इतने लोग जमा होते हो कहीं पर भी, राशन की शॉप पर या कोई और, मतलब जो हमें चाहिए वो सब सारी चीज़ें सप्लाई होती रहेगी, ऐसा बोला है पीएम ने। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि सारी ज़रूरत की चीज़ें सप्लाई होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मत निकलो। और लॉकडाउन की वजह से कुछ बनाने का भी मन नहीं कर रहा। ये देखो, ये मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। बहुत कभी सोचती हूँ कि ये बनाऊँ वो बनाऊँ, लेकिन कुछ भी मन नहीं कर रहा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और एडवाइस दूंगी कि ये लॉकडाउन की वजह से जो लोग रोज कमा कर खाते हैं उनके काम पर असर पड़ेगा और उनकी इनकम भी बंद हो जाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप अपने आसपास ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा ना हो कि जो भूखे रहे, भूखा सोना पड़े उनको। तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से उनको थोड़ी हेल्प कर दीजिए। देखो, मैं कोई बहुत बड़ी सोशल वर्कर तो नहीं हूँ, बट एक इंसानियत के नाते बोल रही हूँ। इस्लाम में तो यही बताते हैं कि पहले दूसरों को खिलाए फिर खुद खाए। तो अभी इस मुसीबत के टाइम पर आप उनकी हेल्प कर दीजिए, किसी को बोलकर करवा दीजिए अगर आपसे नहीं होता। और प्लीज़ पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए, पूरे देश के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये कोरोना वायरस की जो मुसीबत आई है उसको जल्दी से जल्द टाल दे। आज से शाबान भी शुरू हो जाएगा, तो ये मुबारक महीना है, तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला हम सबको नवाज देंगे और अल्लाह ताला ये बीमारी को दूर कर दे। यही दुआ करनी है हम सबको। और प्लीज़ गवर्नमेंट को, सिस्टम को सपोर्ट कीजिए। और अगर आप सोशल वर्कर हो और सोशल सर्विस करते हो, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर सोशल सर्विस करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, तो मास्क लगाकर जाइए, हैंड सैनिटाइज़र साथ में रखिए, ग्लव्स पहनकर जाइए, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही तो आप दूसरों की सेवा कर सकेंगे, नहीं तो दूसरों को आपकी सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए मैं सोशल वर्कर्स को भी बोलती हूँ, बहुत सारे व्हाट्सएप और फेसबुक पर फोटोज आते हैं, तो बहुत सारे लोग जमा होकर सोशल सर्विस करते, तो वो गवर्नमेंट ने अवॉइड करने को बोला है। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अगर आपको सोशल सर्विस करनी है तो मैं आपको मना नहीं कर सकती, बिकॉज़ आई ऑल्सो बिलीव इन सोशल सर्विस। मुझे बचपन से ही मेरे पापा ने सिखाया है कि खिदमत खल खिदमत खुदा अस्त। तो श्योर करनी ही चाहिए, डेफिनेटली समाज सेवा करनी चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि कीजिए, आपको करनी है खिदमत खल्क, समाज सेवा, सोशल सर्विस, लेकिन बहुत सारे लोग जमा होकर मत कीजिए, अपने अपने लेवल पर कर लीजिए। ग्रुप बनाया है, आपका ग्रुप है तो उसमें सबको काम बांट दीजिए, फिर वो लोग अपने हिसाब से देख लेंगे। फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर फॉलोअप लेते रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी, क्योंकि ये लॉकडाउन का जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, वो मेरे हिसाब से बहुत फास्ट और सही डिसीजन है। तो हमें गवर्नमेंट को, सिस्टम को, पुलिस को, सबको सपोर्ट करना होगा और सबको मिलकर ये COVID-19 कोरोना वायरस से लड़ना होगा। मैं बहुत बड़ी पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, बस मैंने सिर्फ अपने मन की जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको कोल्ड, फीवर, कॉफ कुछ भी लगता है, तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए अपने। ऐसा नहीं है कि हर
हर कोल्ड एंड हर कफ एंड हर फीवर कोरोना वायरस हो। तो बहुत सारे लोग इस डर के मारे डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, लेकिन प्लीज़ ज़रूर दिखाइए, क्योंकि हमें नॉर्मल मेडिसिन तो लेने हैं और वो फ्लू के कारण भी हो सकता है। जैसे हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है वैसे भी हो सकता है। हर कोल्ड एंड फीवर को आप कोरोना वायरस मत समझिए और अफवाहों पर बिल्कुल मत ध्यान दे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।